मैं एज अ काउंसलर हूं, मेरे पास एक वोट है, ठीक है ना, ये मुझे डिसाइड करना है, मैं यहां दूं या यहां दूं या बायकॉट करूं या वोट डालू ही ना। आप समझदार हो, मैं इतना बताऊं आपको, जब किसी का नाम आ जाता है पैनल में, फिर उसी का नाम कट जाएगा। मुझे बता फिर ये कहां तक सही है कि ये सच्चा वो अच्छे हैं या बुरे हैं, या धोखा है या सही है। मैं आपको बताऊं, तौसीफ मियां साहब एक वोट से हार गए, 9 वोट उसको पड़े, 19 ही वोट है काउंसलरों के। कई ऐसा भी होता है कि क्या पता कल उसको 12 पड़े। देखिए देखिए, मैं वोट किसको देना है किसको नहीं डालना है मेरा राइट है, और मैं इतना बताऊं कि मुझे इस प्रेसिडेंसी इलेक्शन के साथ कुछ नहीं है। जब मेजॉरिटी ने फैसला लिया उसमें मेरा नाम आया, क्योंकि मैंने यहां से अप्रोच कोई नहीं किया कि मुझे प्रेसिडेंट बनाओ, वहां से मेजॉरिटी का फैसला आया। जो सोशल मीडिया पे कुछ दिन पहले हमारे काउंसिल ने मुझे नॉमिनेट किया था प्रेसिडेंट के लिए, कल और एक मीटिंग में मेरा नाम नहीं आया, उसमें उमर अजहर का गुस्सा आता है। पहले है? आपका नाम आया था तो उस टाइम उमर अजहर कपूर साहब भी आपके साथ? हाँ, वो भी थे, वो भी उस टाइम मेरे साथ थे। फिर उसी सवाल पे मैं आऊंगा, क्या आपको लगता है आपके साथ फिर धोखा हुआ? मुझे बता एक बात, जब नाम आ जाए फिर ना आ जाए, इसके बाद से कहे ना। देखिए 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 देखिए, मैं बताऊं कि मैं सवाल मैंने बार बार पैनल में जवाब, आप मुझे विश्वास देते हो, ठीक, मैं अभी आ जाऊंगा आपके प्रेस कॉन्फ्रेंस लेनी है आपसे, आप नहीं आओगे मतलब फिर आपने धोखा दिया ना। आप उन्होंने जब नाम मेरा लिया है फिर मेरा नाम नहीं आया, तो इससे आप तो समझदार हैं। सबसे पहले आपका शुक्रिया कि आप यहाँ पे आए। आपको पता है कि कुछ दिन पहले नो कॉन्फिडेंस मोशन चली तौसीफ रैना साहब के खिलाफ, जिसमें वो नॉन कॉन्फिडेंस मोशन में हार गए हैं अपनी प्रेजिडेंटी इलेक्शन। तो उसके बाद कल जब फिर उसके बाद नोटिफिकेशन निकली डीसी ऑफिस की तरफ से कि इलेक्शन की नोटिफिकेशन थी वो, और उसमें कल जो तय हुआ मीटिंग में, सिर्फ हमारे म्यूनसिपल काउंसिल में 2 फार्म चले गए, एक तौसीफ रैना साहब का फार्म चला गया, एक उमर अजहर कक्कू साहब का फार्म चला गया। ये बताया कि जो सोशल मीडिया पे एक पोस्ट वायरल हुआ था इससे पहले, तो उसमें ये टाइप पाया गया कि मतलब आप प्रेसिडेंट के लिए फॉर्म भरोगे, तो अचानक से ये ऐसा क्यों हुआ कि आपका नाम कल नहीं आया, क्या वजह है? देखिए सबसे पहले मैं एक काउंसलर हूँ, मुझे लोगों का काम तो भी करना है, चाहे मैं प्रेसिडेंट हूँ या नहीं हूँ। देखिए कि जो उस दिन सोशल मीडिया पे जो मेरा पोस्ट वायरल हुआ था, जो आने वाले जिसमें तौसीफ साहब की वो नॉन कॉन्फिडेंस मोशन जो थी उसमें वो हार गए थे, उसके बाद मेरा नाम आया कि इसके बाद हमारी तरफ से एक ही फार्म जाएगा कि वो आशिक हुसैन गनाई साहब का फार्म चला जाएगा प्रेसिडेंटी के लिए। तो जब कल और एक मीटिंग हुई है उसमें मेरा नाम नहीं आया, जिनने मुझे आशीर्वाद दिया था कि आपका नाम आएगा, लेकिन उन्होंने शायद अपनी मर्जी पे ठीक नहीं समझा जिसमें मेरा नाम नहीं आया है। मेरे कहने का मतलब ये है, कल 2 ही फार्म जो चले गए, मैंने पहले भी बताया कि सिर्फ उमर अजहर काकू साहब की और श्री तौसीफ रैना साहब का फार्म चला गया, और हम पब्लिक के खादिम हैं कि और जिन लोगों ने उस टाइम जब मेरा पोस्ट वायरल हुआ बहुत मुझे वेलकम किया था, मुबारकबाद किया था अपनी बारामूला की आवाम ने, और बच्चे बुजुर्ग माँ बहन हमारे जवान हमारे जी इज्जत लोग बहुत खुश थे कि चलो ये फार्म बनेगा आज साहब, क्योंकि लोगों को पता है कि हमने जगह जगह पे हमने अपनी तरफ से कोशिश की हर काम के लिए। अगर मैं अपनी वार्ड की ही बात करूं तो उसमें हमारा नाम उन्होंने नहीं लिया कल वाली मीटिंग में, जिसमें उमर अजहर काकू साहब का नाम ले लिया, तो उसने फार्म भर दिया क्योंकि मेरा नहीं बनता था फिर कि मैं कैसे भरता फार्म कि जब अगर कोई सेटिस्फाई नहीं होगा, तो इसलिए हमने फार्म नहीं भरा। सर ये बताएं कि ये मीटिंग हुई आप लोगों में कि मतलब 3-4 महीनों में आप प्रेसिडेंट होंगे और आप रहोगे, ये कहां तक सही है? देखिए बिल्कुल सही है, जब नॉन कॉन्फिडेंस मोशन चली तौसीफ रैना साहब के खिलाफ, उससे पहले एक मीटिंग तय हुई थी कि 10 काउंसलों के बीच में एक मीटिंग तय हुई कि इसके बाद जो फॉर्म भरेगा वो आशिक साहब भरेंगे प्रेसिडेंटशिप के लिए म्यूनसिपल काउंसिल बारामूला में, और हमारी तरफ से एक ही फार्म जाएगा।
लेकिन जब उसके बाद जब तौसीफ राणा साहब ने हार लिया अपनी नॉन कॉन्फर्मेशन, उसके बाद इलेक्शन की एक नोटिफिकेशन निकल गई कुछ दिन पहले जिसमें उसका लास्ट डेट कल था, तो उससे पहले और एक मीटिंग लगी फिर उन्हीं हमारी 10 काउंसलरों की कि प्रेजिडेंटशिप के लिए कौन फार्म भरेगा। उसमें क्या हुआ, उसमें काउंसलर ने ये बताया जिन्होंने मुझे भी एतमाद दिया था, उन्हीं काउंसलर ने नाम दिया कि अब उमर अजहर कपूर साहब फार्म भरेंगे। तो जब मुझे भी पूछा गया तो जब इन्होंने ये दूसरा फैसला लिया तो मैंने समझा कि नहीं, मैं एक काउंसलर हूँ, मुझे इसके बाद भी काम करना है, मैं अपनी काउंसलरी में भी एक ही मतलब वार्ड की बात नहीं करूँगा, मैं पूरी बारामूला की टाउन की हक हमारा बनता है क्योंकि लोगों ने बहुत एतमाद किया हम पे और हम लोगों के लिए सिर्फ काम के लिए आए हैं। मैं आशिक एमएलए पोस्ट के लिए नहीं कभी आया सियासत में, मुझे 20 साल हो गए सियासत में, मैंने 2 पार्लियामेंट इलेक्शन कॉन्टेस्ट किए, मैंने बारामूला में असेंबली इलेक्शन भी कॉन्टेस्ट किया, मेरे लिए सीट कोई मैटर नहीं करता है, मेरे लिए अपनी बारामूला की बहबूदी मैटर करता है, मेरे लिए बारामूला की डेवलपमेंट और लोगों की खुशहाली और बारामूला में शहर खास बारामूला जिसका नाम दिया था वो सपना है मुझे, वो हमारा बारामूला कब शहर खास बनेगा ताकि हमारे बच्चे, हमारे बुजुर्ग, हमारी माएँ, हमारी बहनें देखें कि हम भी किसी शहर में रह रहे हैं। मेरे पास किसी ओहदे की लालच नहीं है, जिस हालात में अगर मैं अपनी बात करूं इसमें आया था, इस कुर्ते में, मैं उसी कुर्ते में आज भी हूं। और हम चाहते हैं पूरे मिलके, पूरी टीम, हमारे पास 19 काउंसलर्स हैं, हम मैं तमाम अपने काउंसलरों से भी गुजारिश करूंगा और रिक्वेस्ट करूँ, और हमें मुझे अपने काउंसलर में पूरा भरोसा है, 19 के 19 काउंसलर सब मेहनत करते हैं, हम चाहते हैं कि और मेहनत हम करें, हर एक जगह पे जाए, लोगों की ग्रीवेंस सुने, वो काम करे, न कि मैं, मेरे पास ये नहीं कि मैं, मेरा नाम क्यों नहीं आया प्रेजिडेंसी में और मैं कब चेयरमैन हूं तब मैं लोगों का काम करूं, मैं कर सकता हूं। हाँ ये सही है कि आप मेरा नाम पहले ने दिया था, कल की मीटिंग में मेरा नाम नहीं आया, उसमें उमर अजहर कपूर साहब का नाम आया और उसी टाइम उन्होंने फार्म भरा, उन्होंने फार्म, मैंने फार्म नहीं भरा। इंटरव्यू आपने पहले भी दिया मीडिया को, उसमें आपने बताया था कि आने वाले वक्त में आप प्रेजिडेंट जो होगा तो आप ही होंगे, तो यानी कि आपको पूरा एतमाद था, तो इसका मतलब ये हुआ कि आपके साथ धोखा हुआ। देखिए मैं आपको बताऊं कि एतमाद तब इंसान को बढ़ जाता है जब आप मुझे विश्वास दोगे, जब मेजॉरिटी ने फैसला लिया उसमें मेरा नाम आया, क्योंकि मैंने यहाँ से अप्रोच कोई नहीं किया कि मुझे प्रेजिडेंट बनाओ, वहां से ही मेजॉरिटी का फैसला आया था, और जब मेजॉरिटी का फैसला आया मैंने सोशल मीडिया पर नहीं दिया, मैंने किसी मीडिया को नहीं बुलाया, काउंसलरों ने ही बुलाया। अगर आपको याद होगा उसमें आपके कश्मीर वायर एक आशिक साहब जो चला रहे हैं उसी को कॉल आई हमारी पूरी मेजॉरिटी की तरफ से, हमारी तरफ से आशिक साहब का फार्म जाएगा प्रेजिडेंसी। तो आशिक साहब एक लास्ट में क्वेश्चन है, तो आपका वोट अब किसके तरफ जाएगा? देखिए उनकी तरफ से जो पहले था या जो आपके साथ जो 10 काउंसलर थे, देखिए देखिए मैं वोट किसको देना है किसको नहीं डालना है मेरा राइट है, और मैं इतना बताऊं कि मुझे इस प्रेसिडेंसी इलेक्शन के साथ कुछ नहीं है। लेकिन पहले तो मैं उनको सपोर्ट कर रहे थे ना, जो आपके 10 काउंसलर, जी का आपको सपोर्ट था, जी तो कल के आज के बाद आप उनका सपोर्ट करोगे कि नहीं? देखिए ये उनकी बात या इनकी बात नहीं है, सपोर्ट की बात नहीं है, मगर मैं इतना आपको बताऊं आपके मीडिया पे कि मुझे जो लोगों को दिमाग में था, दिल में था कि आशिक साहब भी फार्म भर रहे हैं, मैं उन लोगों को कहना चाहता हूं मेरा नाम नॉमिनेट नहीं हुआ प्रेजिडेंसी इलेक्शन के लिए, और मैं उनका बहुत शुक्रगुजार हूं कि उन्होंने बहुत प्यार दिया मुझे सोशल मीडिया पे और कॉल्स किए हैं, रियली मेरे पास अभी है, सुनिए जी तो कल क्या रहेगा, तो कल आप देखिए वो आने वाले कल में आपको पता चलेगा जो भी है, अभी मैं सपोर्ट या वोट किसको दूं मैं किसका नहीं दूं, अगर आप अभी तो आप डिसाइड नहीं करोगे किसका वोट, हाँ अभी मैं डिसाइड, और मैं यही सिर्फ इसलिए मैं आपको पता, मुझे जो आज के 2 कैंडिडेट्स हैं किसकी हार होगी किसकी जीत होगी, चाहे तौसीफ राणा साहब जीत जाए फिर,
चाहे उमर साहब जीत जाए, मुझे इस प्रेसिडेंट इलेक्शन के साथ कुछ नहीं है। मैं एज अ काउंसलर हूँ, मेरे पास एक वोट है, ठीक है ना। ये मुझे डिसाइड करना है, मैं यहां दूं या यहां दूं, या बायकॉट करूं या वोट डालूं ही ना, ये मैं, वो मुझे अपना राइट है। तो आपने उस बात का जवाब नहीं दिया, क्या आपको काउंसलर जो थे आपके पूरे 10 के 10, क्या उन्होंने आपको धोखे में रखा? देखिए आप समझदार हो, मैं इतना बताऊं आपको, जब किसी का नाम आ जाता है पैनल में, फिर उसी का नाम कट जाएगा। मुझे पता फिर ये कहां तक सही है कि ये सच्चा वो अच्छे है या बुरे है, या धोखा है या सही है। जब एक बार मेरा नाम पूरी मीडिया पे आया, आप क्लियरली बताओ कि आपके, आपको लगता है आपको धोखा हुआ? देखिए उनको शायद ऐसा था कि इसको नहीं बनाए, क्या कमी मत होगी या कुछ ऐसा उनके दिल में जो होगा। उनने कल मेरा नाम नॉमिनेट नहीं किया, जिसमें उमर अजहर कपूर साहब का नाम उन्होंने लिया, तो मैंने हाथ खड़े कर दिए, क्योंकि मेरा ये नहीं बनता था कि मैं जंग करूं। मैं जंग के लिए नहीं आया हूं, मैं कुर्सी के लिए नहीं आया, मैं लोगों की बहबूदी के लिए आया। वहां से भी नाम है, अब यहां से भी नाम है, जी एक रह गया जी। ठीक है, तो आपका वोट तो कल मतलब ये डिसाइड करेगा ना किसके लिए, मसला है ना। देखिए आपके वोट पे सब कुछ है, ये नौ नौ की बात नहीं है, कहीं एक को आठ भी आ सकते हैं, किसी को सात भी आ सकते हैं, किसी को बारह भी आ सकते हैं। ये मतलब मैं बताऊं आपको, ये जो इलेक्शन होता है ट्रेंड होता है। आज इसके तहत देखिए, कल तौसीफ रैना साहब जो है वो एक वोट से हार गए, ठीक है। मैं आपको बताऊं, तौसीफ रैना साहब एक वोट से हार गए, नौ वोट उसको पड़े, 19 ही वोट है काउंसलरों के। कई ऐसा भी होता है कि क्या पता कल उसको 12 पड़े, ठीक है ना। ये काउंसलरों के दिल पे और मिजाज और सही कैंडिडेट चुनने का अधिकार सिर्फ मेंबरों को है, ठीक है ना, ये हमें नहीं है। जो मेंबर हैं, जो फैसला करते हैं, जो प्रेसिडेंट बनाते हैं, वो उन्हीं तक है, जो अच्छा उनको लगे उसके उसको सपोर्ट करें। हम यही करेंगे, हमारी तरफ से यही रिक्वेस्ट रहेगा कि आप देख लीजिए, सबों को सोच समझ के काम करना है। आप प्रेसिडेंट के लिए मत जाइए, आप इसलिए लड़िए कि हमारा बारामुल्ला किस तरह डेवलपमेंट होगा, हमारे बारामुल्ला के लोगों की जो मुश्किलात हैं वो किस तरह दूर होंगे। तो सर मीडिया पे आज आने का मकसद क्या था? देखिए मेरे मीडिया का आने का मकसद ये है कि जो सोशल मीडिया पे कुछ दिन पहले हमारे काउंसिल ने मुझे नॉमिनेट किया था प्रेसिडेंट के लिए, कल और एक मीटिंग में मेरा नाम नहीं आया, उसमें उमर अजहर कपूर साहब का आया। जब पहले आपका नाम आया था तो उस टाइम उमर अजहर कपूर साहब भी आपके साथ थे? हाँ वो भी थे, वो भी उस टाइम मेरे साथ थे। फिर उसी सवाल पे मैं आऊंगा, क्या आपको लगता है आपके साथ फिर धोखा हुआ? मुझे बता एक बात, जब नाम आ जाए फिर ना आ जाए, इसके जबान से कहे ना। देखिए मैं बताऊं कि मैं बिलीव नहीं करूंगा कि उन पर कि इन्होंने धोखा दिया। ये मतलब इसका मतलब ये है कि डर नहीं है। डर क्यों? मैं सुनिए मेरी बात, मैं आज तक नहीं डरा हूँ। मैं जब भी आता मीडिया पे फेस करता हूँ, बात करता हूँ, किसी को अच्छा लगे बुरा लगे, नहीं नहीं नहीं। देखिए जो धोखे की बात आप कर रहे हो, आपको ये सवाल मैंने बार बार पैनल में आप मुझे विश्वास देते हो, ठीक। मैं अभी आ जाऊंगा आपके प्रेस कॉन्फ्रेंस लेनी है आपसे, आप नहीं आओगे मतलब फिर आपने धोखा दिया ना। आप उन्होंने जब नाम मेरा लिया है फिर मेरा नाम नहीं आया, तो इससे आप तो समझदार हैं। नहीं देखिए मैं किसी को बिलीव नहीं लगा सकता हूँ, लोग समझने चाहिए। मैं उनको बोलता हूँ कि मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ पूरे लोगों का कि जिन्होंने मुझे प्यार दिया। आखिर मेरी यही मैसेज है, जहां भी आवाम को हमारी जरूरत पड़े हम आपके साथ हैं, और ये ना सोचे कि अगर हम जो मुझे चाहते थे, जो चाहते थे कि आज एमएलए आ जाए यहाँ पे, और जो वो उनको नाउमीद नहीं होना है, हम आपके साथ साथ हैं, हम आपकी खिदमत के लिए साथ साथ हैं पूरे बारामुला के लोगों के लिए। शुक्रिया। नहीं सपोर्ट तो अपना राइट है, देखिए ओपन नहीं कर सकते हैं, देखिए ओपन कैसे बताएं, आज तक किसने ओपन बताया? अगर ओपन बताया आपने, जब वो था वो देखिए उसमें भी ओपन नहीं होता है। हाँ आपने तो ओपन सपोर्ट किया ना उस टाइम। हाँ देखिए उसमें क्या होता है, जब इलेक्शन का बिगुल बज जाता है तो सीक्रेट बैलेट होता है। अच्छा। जब बाहर से रोड पे चलते हैं तो सब इकट्ठे होते हैं। मुझे बताओ कि आपने देखा होगा जब ईद की नमाज थी ओल्ड टाउन बारामुल्ला में,
तो उस टाइम हमारे प्रेसिडेंट साहब और उमर साहब गले मिले, ठीक है ना, मतलब है भाई भाई, ये कोई सियासत कोई जंग नहीं है, ये एक दिन की खेल होती है, फिर इकट्ठे सब होते हैं। मगर इतना मैं कहूं कि जो वोटिंग राइट होता है वो सीक्रेट होता है, और मैं यही बोलना चाहता हूं कि मुझे प्रेसिडेंटी इलेक्शन के साथ आज कुछ नहीं है, कौन जीते कौन हारे। देखिए तौसीफ लेना साहब जीते तो उसको मुबारक, उमर अजहर ककड़ साहब जीते तो उसको मुबारक, मगर मैं इतना कहूंगा कि मेरा इस प्रेसिडेंसी से लेना देना कुछ नहीं। थैंक यू।